हेलो गाइस, नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से वो है अपने पास एंगल सम। किसी भी पॉलीगन का जो एंगल का जो सम है वो हम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम करेंगे आज। या हिंदी में कह सकते हैं, हम किसी भी बहुपद के आंतरिक कोणों का जोड़, हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ईच एंगल, प्रत्येक कोण कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है अपने पास सभी कोणों का जोड़ कैसे निकालना है, और दूसरा क्या है प्रत्येक एंगल कैसे निकालना है। इस प्रकार से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके लिए अपने पास जो फार्मूला है ये अपने पास एन माइनस में टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यहाँ एन के स्थान पे हम कोई भी, जैसे जो पॉलीगन जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, थ्री से, थ्री साइड से, थ्री फोर फाइव, इस प्रकार से हमने कोई भी जैसे ट्रायंगल होगी, जैसे ट्रायंगल होगी, ऐसे ही अपने पास फोर साइड जिसकी होती है क्वाड्रिलेटरल होगी जैसे, तो इस प्रकार से ये पेंटागन होगी अपने पास। तो इस प्रकार से जो है इनकी हमने क्या निकालना है, एंगल सम निकालना है। तो एंगल सम जैसे निकाले उसका अपने पास फार्मूला है एन माइनस में टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। एन के स्थान पे कोई भी वैल्यू हम रख देंगे, जैसे एन के स्थान पे हमने यहाँ पे थ्री पुट कर दिया, जैसे थ्री माइनस में टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो अपने पास थ्री में से टू जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, वन मल्टीप्लाई 180, तो 180 डिग्री आ जाएगा किसी भी ट्रायंगल, क्योंकि थ्री साइड किस में होती है, किसी भी ट्रायंगल में होती है। और ट्रायंगल का जोड़ क्या इतना होता है, ट्रायंगल के सभी कोणों का जो जोड़ होता है, एंगल्स जो सम होता है, अंदर के कोण, जो अंदर के कोण है, जैसे जो एंगल है अपने पास इस प्रकार से, ये और ये और ये, इन तीनों कोणों का जोड़ जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार से हमने यदि कोई भी फोर साइड है, ऐसे फोर साइड है, और उसका हमने यदि एंगल सम निकालना है, तो उस हमने क्या रखेंगे यहाँ पे, एन के स्थान पे क्या रख देंगे, फोर रख देंगे। तो फोर माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो फोर में से टू जाएगा, टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 360 डिग्री। कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल जो होगी, चतुर्भुज जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, तो उसका जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। ऐसे ही हम पेंटागोन का निकाल सकते हैं, यहाँ पे एन के साथ कितना रख देंगे, 5 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और 300, 3 8 24, और 3 9 5, 540 डिग्री जो होगा अपने पास किसी भी पेंटागोन का, जो हमने कोणों का जो जोड़ होगा, जैसे अपने पास जो पेंटागोन है, इस प्रकार से अपने पास जिसकी पांच साइड होती है, इसको क्या बोलते हैं, हम पेंटागोन बोलते हैं। तो इसी प्रकार से कितनी भी साइड हो, कितनी भी साइड की जो पॉलीगन हो, उसका हम एंगल का सम निकालें, तो इस प्रकार से इस फार्मूले का यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन में आ जाता है एंगल सम की बजाय वो पूछ ले ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का, किसी भी बहुपद का आंतरिक कोण, प्रत्येक कोण, प्रत्येक का जिक्र आ जाए। हमने क्या निकाला है, आपके पास सम की बजाय क्या निकाला है, प्रत्येक कोण निकालना है। तो अपने पास जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन माइनस में टू मल्टीप्लाई 180, ये तो यहां तक तो वही फार्मूला है, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। एन का मतलब है जितनी भी साइड होंगी उसको हम उससे क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, जैसे एन के स्थान पे उसी प्रकार से मैंने बताया, थ्री फोर फाइव, इस प्रकार से हमने साइड होते हैं उनसे अपने पास पॉलीगन होती है। तो इस प्रकार से हमने जैसे एन के स्थान पे क्या रख देंगे, हमने उसी प्रकार थ्री माइनस में टू मल्टीप्लाई क्या है, 180 डिग्री, अपोन में यहाँ पे क्या कर देंगे, अपोन में थ्री, जितनी भी यहाँ पे एन जितना रखेंगे वहां यहाँ भी हमने एन उतना ही रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से थ्री में से टू गया, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, अपोन में थ्री, इसको कैंसिल कर देंगे तो 60। तो ईच एंगल जो आएगा किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल जो होगी अपने पास, इस ट्रायंगल का प्रत्येक कोण जो आएगा 60 60 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास, 60 डिग्री का हो जाएगा ईच एंगल, ठीक है ना। यदि सम का जिक्र करता है तो वो हो जाएगा 180 डिग्री, और ईच एंगल निकालना है तो हमने इस फार्मूला का प्रयोग करके हमने इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ऐसे यदि फोर साइड हो तो फोर साइड रख देंगे हम, फोर माइनस में टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, अपॉन में यहां भी क्या कर देंगे, एन के स्थान पे क्या कर देंगे, फोर कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, अपॉन में फोर, टू से कैंसिल हो जाएगा, टू टू जा फोर, और टू से इसको कैंसिल कर देंगे 90 डिग्री। तो जो ईच एंगल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल होगी तो इसका जो प्रत्येक जो कोण होगा,
क्या होगा, प्रत्येक ओम 90-90 का हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 90-90 का हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने पेंटागोन का निकालना है, यस हेक्सागोन का निकालना है, किसी भी हमने पॉलीगन का हम ईच एंगल, इस प्रकार से ये फार्मूला अपने पास है, ये अपने पास सम का है और ये ईच एंगल का फार्मूला है, तो इस प्रकार से हमने निकाल सकते हैं। तो ये था अपने पास एंगल सम और ईच एंगल इस प्रकार से। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।